14 नवंबर बाल दिवस के शुभ अवसर पर भाजपा नेता युवा समाजसेवी प्रदीप गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर बाल दिवस मनाया। निघासन खीरी हर साल भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसी कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके समुचित विकास की जिम्मेदारी हम सबका है। इसलिए उन्होंने बच्चों के विकास के लिए कई लोक कल्याणकारी योजना का संचालन किया, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कुपोषण जैसी समस्या से बचाना था। इसलिए बाल दिवस को पंडित जवाहर नेहरू की याद में मनाया जाता है। 1964 के पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा उस समय के तत्कालीन सरकार ने किया। इसके पीछे की वजह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से खास लगाव था। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसी कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके समुचित विकास की जिम्मेदारी हम सबका है। इसलिए उन्होंने बच्चों के विकास के लिए कई लोक कल्याणकारी योजना का संचालन किया, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कुपोषण जैसी समस्या से बचाना था। इसलिए बाल दिवस को पंडित जवाहर नेहरू की याद में मनाया जाता है। 1964 के पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा उस समय के तत्कालीन सरकार ने किया। इसके पीछे की वजह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से खास लगाव था। लखीमपुर खीरी से सुबह तो शिवम कश्यप के साथ आपको बताते चले कि बाल दिवस के शुभ अवसर पर भाजपा नेता युवा समाज सेवी प्रदीप गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर मनाया निघासन खीरी। चिल्ड्रंस डे हर साल भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी भाजपा मंडल मंत्री समाज सेवी व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप गुप्ता ने हर साल की भांति इस साल भी बच्चों के साथ मिलकर अम्बेडकर नगर में बाल दिवस मनाया। यही नहीं, कोविड-19 से लोगों की लगातार मदद करते चले आए हैं। इस मौके पर सभासद पद के उम्मीदवार सरवन कश्यप व अंबेडकर नगर के सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। संवाददाता शिवम कश्यप। 10 नवंबर बाल दिवस के शुभ अवसर पर भाजपा नेता युवा समाज सेवी प्रदीप गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर बाल दिवस मनाया। निघासन खीरी हर साल भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसी कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके समुचित विकास की जिम्मेदारी हम सबका है। इसलिए उन्होंने बच्चों के विकास के लिए कई लोक कल्याणकारी योजना का संचालन किया, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कुपोषण जैसी समस्या से बचाना था। इसलिए बाल दिवस को पंडित जवाहर नेहरू की याद में मनाया जाता है। 1964 के पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा उस समय के तत्कालीन सरकार ने किया। इसके पीछे की वजह थी कि